प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने अपनी ताजा रिपोर्ट में देश की रिलीजियस पॉपुलेशन शेयर को लेकर ये खुलासे किए हैं। 65 सालों में मुस्लिम आबादी 43.15% बढ़ी है। ये रिपोर्ट है 2015 तक की, तो आखिर इतने सालों बाद ये सामने क्यों आई है। भारत एट 9 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज एक देश में रिपोर्ट सामने आई है जिससे पूरे देश में बवाल मच गया है और कहीं ना कहीं चुनावों में इसका फायदा उठाने की कोशिश हर कोई करता हुआ नजर आएगा। बात यह है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने अपनी ताजा रिपोर्ट में देश की रिलीजियस पॉपुलेशन शेयर को लेकर ये खुलासे किए हैं। अब रिपोर्ट में कहा गया कि पारसी धर्म के लोगों की संख्या में 85% तक की गिरावट देखी गई है। 1950 की बात है, इनकी संख्या देश की कुल आबादी का 0.03% हिस्सा थी, तो 2015 में घटकर 0.004% रह गई। अब जैन समुदाय की आबादी में भी गिरावट आई है, जैन समुदाय की आबादी में भी भारी गिरावट देखी गई है। देश की कुल आबादी में इनकी हिस्सा घटकर जो है वो 0.36% रह गया है, जबकि साल 1950 में ये आंकड़ा 0.45% था, जो 2015 में 0.36% हो गया है। अब बात आ गई मुसलमानों की, मुसलमानों की आबादी कितनी बढ़ी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 1950 से 2015 के बीच 65 सालों में मुस्लिम आबादी 43.15% बढ़ी है। चौंका देने वाला आंकड़ा है। 1950 में भारत में मुसलमानों की जनसंख्या देश की कुल आबादी का 9.84% हिस्सा थी, जो 2015 में बढ़कर 14.09% हो गया है। हिंदुओं की बात करें तो 65 सालों में उनका शेयर घटकर 78.06% रह गया है। 1950 में भारत में 84.68% हिंदू रहते थे और 2015 तक इनके पॉपुलेशन शेयर में 7.82% की कमी आ गई है। इसके अलावा इसी तरह ईसाई, सिख और बौद्ध की मैं बात करूं तो रिपोर्ट के हिसाब से देश के अन्य अल्पसंख्यक समुदायों सिख, बौद्ध, ईसाइयों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। देश के सिख और ईसाई धर्म की आबादी में 6% से ज़्यादा का इजाफा हुआ। देखिए, ईसाई समुदाय के पॉपुलेशन शेयर में 1950 से 2015 के बीच 5.38% की बढ़ोतरी हुई है। 1950 में उनकी आबादी 2.24 थी, जो 2015 में बढ़कर 2.36% हो गई है। सिखों की जनसंख्या में 6.58% की बढ़ोतरी देखी गई है। 1950 में देश में 1.24% सिख रहते थे, जो 2015 में बढ़कर 1.85% हो गई है। बौद्ध समुदाय का पॉपुलेशन शेयर 0.05% से बढ़कर 0.81% रह गया है। वहीं राजनीतिक जानकारों के मुताबिक अब बचे हुए चुनावों में मुद्दा बड़े जोर शोर से उठेगा। इनके सियासी नफा नुकसान का आंकलन राजनीतिक गलियारों में भी किया जाने लगा है, जबकि कुछ लोगों ने ऐसी रिपोर्ट पर सवालिया निशान लगाते हुए पूछ लिया है कि जब अभी तक जनगणना ही नहीं हुई है तो ये आंकड़े कितने आधिकारिक हैं और कितने मान्य साबित होंगे। अब देखिए, सवाल तो जायज है, अब इस पर सरकार को अपना स्पष्ट रुख करना चाहिए। देखिए, इस अध्ययन के मुताबिक 1950 में भारत की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी 84% थी, जो 2015 में घटकर 78% हो गई है। इस दौरान मुसलमानों की हिस्सेदारी 9% से बढ़कर 14% रह गई है। अब इस पर सियासी बवाल तो मच ही रहा है, साथ ही साथ कुछ हमारे सनातन प्रेमी जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। अखिल भारतीय संयुक्त हिंदू सनातन महासभा के सचिव आचार्य देवेंद्र शुक्ला कहते हैं, जिस तरीके की रिपोर्ट्स मीडिया में चर्चा में बनी हुई है वो बहुत ही चिंता का विषय है, सोशल मीडिया पर सुबह से ही ट्रेंड कर रहा है। आचार्य शुक्ल के मुताबिक अगर हिंदुओं की आबादी इस कदर घट रही है तो अब केंद्र सरकार को इस पर कड़े फैसले लेने की जरूरत है। वो कहते हैं कि अगर हिंदुओं की आबादी ही कम हो जाएगी तो हमारे सनातन परंपरा के ध्वजवाहक फिर कहाँ ढूंढे जाएंगे। उनका कहना है कि उन्होंने भी मीडिया में यही रिपोर्ट पढ़ी है मुसलमान की बढ़ी हुई आबादी पर। उनका कहना है कि अब केंद्र सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून ला देना चाहिए ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण हो सके। अब इस रिपोर्ट के बाद सियासी तौर पर माहौल भी गर्म हो गया। भाजपा सांसद साक्षी महाराज कहते हैं कि इसके स्पष्ट मायने हैं, या तो हिंदू मारे जा रहे हैं या फिर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। अब यह मारे जा रहे हैं, धर्मांतरण पर ज्यादा फोकस लोगों का हो रहा है। साक्षी महाराज ने मांग की है कि देश में जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाना चाहिए। ये कानून राष्ट्रहित में है,
उनका कहना है कि वो हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट आई है वो बहुत ही आहत करने वाली है। वहीं भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्षी पार्टियों पर हमलावर होते हुए भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश करार दे दिया। अब इस रिपोर्ट के मीडिया में आने के बाद जिस तरीके से सियासत शुरू हुई है उस पर राजनीतिक जानकारों का रुख स्पष्ट है। भाजपा नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू की, उससे स्पष्ट है कि सियासत में मुद्दा अब आगे भी बढ़ने वाला है। अब इस रिपोर्ट को आधिकारिक वेबसाइट पर देखा तो नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में जो हंगामा मचा है वो हिंदू मुसलमान की राजनीति में ध्रुवीकरण की पूरी पिच तैयार करता है। अब कुछ राजनीतिक के ज्ञाता कहते हैं कि अभी तक इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाएं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से आ रही है। अब ऐसे में निश्चित तौर पर इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी के नेता आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि अन्य पार्टियों के बड़े नेताओं की ओर से फिलहाल इस पर चुप्पी है। कुछ और लोगों की माने तो इस रिपोर्ट पर इतना हंगामा मचा है उस पर कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। इस रिपोर्ट में 1950 से लेकर 2015 तक की आबादी का अध्ययन बताया गया है। कुछ जानकार कहते हैं कि जो रिपोर्ट जारी हुई है उसे पब्लिक डोमेन में तो होना ही चाहिए ताकि उसको देश के सभी लोग जान सकें और पढ़ सकें। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये उठाया है कि अगर 2015 की है तो 9 साल बाद 2024 में क्यों जारी की गई। वाकई सवाल तो है, क्या सिर्फ इसे ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है या वाकई ये चिंता का विषय है। इस रिपोर्ट को लेकर जो अचानक इतना हंगामा मचना शुरू हुआ है उस पर तो सरकार को भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर रिपोर्ट 9 साल पुरानी है तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की योजनाएं भी कुछ ना कुछ तो उसके अनुरूप तैयार हुई होंगी, इसलिए जानना भी जरूरी है कि क्या इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं बनी है या नहीं, क्योंकि अभी जनगणना होनी बाकी है। अब ऐसे में इस तरह की किसी रिपोर्ट की जनसंख्या के लिहाज से जारी किए गए आंकड़े कितने आधिकारिक माने जाएंगे इस पर भी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। इस तरह की बातें लगातार उठ रही हैं, कुछ सियासी बयानबाजियां भी हैं, वो हम आपको सुनाते हैं। संतुलन बिगाड़ने का अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी। जनसंख्या नियंत्रण की कोई नीति नहीं लाए, एक तरफ तेजी से बढ़ती रही, दूसरी तरफ जनसंख्या घटती रही। देश में अब सामान्य नागरिक संहिता की जरूरत है, सब एक ही शादी करें और एक निर्धारित संख्या बच्चे कितने पैदा करना वो सामान्य नागरिक संहिता के बाद आएगा। ये आबादी का इतना असंतुलन चिंताजनक। आज मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं, ये हिंदुओं की घटती हुई आबादी, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी। आप देखें 0 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु मुसलमान में कितने परसेंट है, हिंदू में कितने परसेंट है आने वाले दिन में। और दूसरा देखें हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 0.25%। ये 0.25% अधिक होना ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टिकरण रोल रहा आजादी के बाद से। तो इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। जनसंख्या गणना की मैं बात करूं तो जनसंख्या की गणना भी हुई नहीं है, तो ऐसे में ये पब्लिक के लिए क्यों नहीं रखी गई, ये भी महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर वाकई ये रिपोर्ट है 2015 तक की, तो आखिर इतने सालों बाद ये सामने क्यों आई है, ये पहले क्यों नहीं रखा गया, और इस पर आगे सरकार का स्पष्टीकरण क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है। अब देखना है कि सरकार इस पर क्या स्पष्टीकरण देती है। @9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।